हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कई बार ऐसा होता है कि हम यूट्यूब से बहुत सारी रेसिपीज़ देखते हैं और इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि अब तो ये रेसिपी बनानी ही बनानी है। हम सारे इंग्रेडिएंट्स खरीद के लाते हैं और रेसिपी ट्राई करते हैं, बट एट द एंड वो रेसिपी कैसी बनती है, अच्छी है कि नहीं है, या फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ट्राई कर रही हूँ पिज्ज़ा की रेसिपी, जो कि मैं तवे पर बनाऊँगी, ओवन यूज़ नहीं करूँगी, और एट द एंड आपको बताऊंगी कि वो रेसिपी एक्चुअली में कैसी बनी थी, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था और क्या अच्छा था, ताकि अगर आप कभी ट्राई करें ऐसी रेसिपी तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो कि ये हाउ दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पिज्ज़ा का डो फ्लफी बने इसके लिए आपको कोई फर्मेंटिंग एजेंट चाहिए। फर्मेंटेशन के लिए आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन दिस रेसिपी आई हैव टेकन ईस्ट। ईस्ट को मैंने नॉर्मल एकदम वार्म पानी में एक चम्मच घोल करके रख दिया था। हाफ एन आवर में अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब हम इसका डो बनाएंगे। डो के लिए मैंने लिया है 2.5 कप ऑफ मैदा। 2.5 कप ऑफ मैदा में मैंने 4 रेगुलर साइज़ के पिज़्ज़ा बनाए हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर 5 to 6 पीपल। तो अगर आप पिज़्ज़ा पार्टी भी कर रहे हैं घर पे तो 2.5 कप इज़ एनफ। अब इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, बट 1 teaspoon इज़ एनफ फॉर दिस बेस। अभी जो फर्मेंटेड हमारा ईस्ट सॉल्यूशन था उसकी हेल्प से मैं इसको गूंदूंगी। अगर आपको वाटर नीडेड अगर लगेगी तभी आप डालिएगा, अदरवाइज ये डो बहुत स्टिकी होता है। तो पहले आप इसको एक बार मिक्स करके, मिला करके, गूंद करके रख दीजिए और फिर से डो को फर्मेंट करने के लिए रखिए। पहले ईस्ट एक्टिव हुआ है, अब वो डो को फर्मेंट करेगा। तो यहाँ पर मैं पूरा सॉल्यूशन डाल करके डो को गूंधने की कोशिश कर रही हूँ। ये गूंध जाएगा तब हम इसको अच्छी तरीके से नीड करेंगे, मतलब और गूंधेंगे ताकि डो सॉफ्ट बने। अभी ये देखिए कि ये बहुत स्टिकी है, आपके हाथों पे बहुत चिपकेगा। तो अभी आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये एक मिक्स हो गया, एक शेप ले चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन अभी इसको बहुत गूंथने की ज़रूरत है। तो मैं अभी इसको नहीं गूंथ रही, अब इसको मैं फर्मेंट होने दूंगी, तब तक मैं दूसरी चीज़ें करूंगी। और हाँ, अगर आप आटे पिज़्ज़ा बेस को रख रहे हैं तो आप उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि इसकी जो नमी है वो जाती नहीं है, ऑयल जो है नमी को रोक देता है और ये डिहाइड्रेट नहीं होगा आपका पिज़्ज़ा बेस, और ये सॉफ्ट रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपका पिज़्ज़ा सॉफ्ट बने, या कोई भी, अगर आप पूरी भी बना रहे हैं तो ऐसे करने से आपकी पूरी की जो का आटा जो है, जो आपने तैयार किया है, वो सॉफ्ट रहेगा, वो करा नहीं होगा, उसके ऊपर की लेयर करी नहीं होगी। ये ढक दिया मैंने। अभी चलिए मैं पिज़्ज़ा सॉस बना लेती हूँ। और पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मुझे चाहिए कुछ लाल मिर्च। मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाला है कढ़ाई में, और ये लाल मिर्च है। अगर लाल मिर्च की जगह आपके पास चिली फ्लेक्स है तो वो भी काम करेगा इस रेसिपी में। इन दोनों को अच्छे से भूंज लूँगी मैं, और थोड़ा सा इसमें गार्लिक डाल रही हूँ मैं। 7 to 8 पीस ऑफ गार्लिक है, या लहसुन है, तो इसको भी आप डाल करके हल्का सा रोस्ट करिए, हल्का सा भूंज लीजिए। उसके बाद हम डालेंगे 5 टमेटोज। अगर आप चाहें तो उसको छोटा छोटा चॉप कर सकते हैं, नहीं तो रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने बड़े बड़े चॉप करके ही डाले हैं, क्योंकि हम एनी भी उसको ग्राइंड करने वाले हैं तो मैटर नहीं करता है। ये कि आप छोटा डालेंगे तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपने टमाटर डाला है, साथ ही साथ उसमें नमक भी डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से। ऐसे 5 अगर टमाटोज डाले हैं तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। टीस्पून एंड टेबलस्पून में कन्फ्यूज मत करिएगा, टीस्पून छोटी वाली चम्मच होती है, उससे ही मैंने इसमें नमक डाला है। उसके बाद ये लेगा 5 मिनट्स, अराउंड 5 मिनट्स में ये हाफ मेसी हो, सॉफ्ट या मेसी होगा। इसको पूरी तरीके से गलाना नहीं है, आधा गल जाए
तभी निकाल करके इसको ठंडा करके पीस लीजिए। और पीसना भी ऐसे है कि पूरा चटनी की तरह एकदम स्मूथ नहीं करना है इसको, थोड़ा मोटा मोटा रहना चाहिए, तभी पिज्ज़ा के ऊपर लेयरिंग होती है तो अच्छी लगती है। तो जैसे मैंने अभी टेस्ट किया, नमक नमक वो परफेक्ट था, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो। तो जो पिज्ज़ा वाले ऑरिगेनो दे जाते हैं ना बहुत सारे, वही पाउचेस मैंने रख लिए थे और इसमें 2 पैकेट मैंने ऑर्गेनो डाले हैं। अगर आपके पास ये पाउचेज नहीं है तो आप पिज्जा मिक्स या सीजनिंग जो आती है वो भी खरीद सकते हैं, तो उसमें से आप 1 चम्मच डाल दीजिए। मैंने इसमें 2 पाउच डाले हैं और मिक्स करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपको लगेगा कि मार्केट की बनी बनाई पिज्ज़ा सॉस है, और ये हेल्दी भी है क्योंकि हमने घर में बनाई है, कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाद में भी आफ्टर बन मेकिंग पिज्ज़ा ऑल्सो। तो ये एक गुड रेसिपी है। अभी पिज्ज़ा सॉस बन गई। अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के फिर से 1 पैकेट ऑर्गेनो डाला है मैंने। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, सारी जितनी टॉपिंग्स होगी पिज्ज़ा की उसको हल्का सा रोस्ट करूँगी, सब्जियों को गलाऊँगी नहीं, 30-40% ही बस कुक करूँगी, ताकि वो अंदर से तो सॉफ्ट हो जाए लेकिन ऊपर से क्रंची भी रहे। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया मैंने, और थोड़ी सी मैंने प्याज में भूल गई थी डालना तो मैंने बाद में डाला। उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च, जो कश्मीरी मिर्च होती है लाल मिर्च, वो वाली डाल दी। अब अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। 30-40% अगर पक जाए तो आप गैस ऑफ कर सकते हैं। अभी मैंने एक हैवी बॉटम जो काश्ता रन का जो तवा होता है वो रखा है गर्म होने के लिए, और इधर पिज्ज़ा के डो को मैं नीड कर रही हूँ अच्छी तरीके से। ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है, और इसको आपको अगर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आपको 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से इसको गूंदना है। और गूंदना ऐसे है कि पूरा अगर आप आटे को खींचे तो एक तार बननी चाहिए। उसके बाद आप पिज्ज़ा बेस को तब जो चकला होता है उस पर रोल कर सकते हैं, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी तो मैंने इसको फिर से अच्छे से बनाया है, क्योंकि पिज्ज़ा अगर टेढ़ी मेढ़ी शेप में बने तो अच्छी नहीं लगती है। तो फिर से मैं इसको अच्छे से गूंद करके एक राउंड से बेलन से ही बेल दूंगी। उसके बाद मैं इसमें पोक करूंगी, जो फोक होता है उसे बिल्कुल पोक कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये रोटी की तरह फूले नहीं। अगर आप इसको नहीं पोक करेंगे तो ये रोटी की तरह फूल जाएगी और पिज्ज़ा का टॉपिंग्स गिर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं एकदम हैवी बॉटम पैन है, इस पे मैंने पिज्ज़ा का बेस रख दिया है, और अभी इसके ऊपर मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको अभी थोड़ी थोड़ी ये कहीं कहीं से फूल रही थी तो मैंने उसको भी पोक करके निकाल दिया है, क्योंकि ये फूलनी नहीं चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए थोड़ी सी। तो उसके बाद मैं दोनों साइड इसको पका लूँगी। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तवे पे क्या होता है, सिर्फ नीचे से हीट आती है, और ओवन में क्या होता है कि हीट चारों तरफ से आती है, तो पिज्ज़ा आराम से पक जाता है। तो इसको मैं जो एक साइड है अच्छी तरीके से पका लूँगी। मैंने चेक किया था तो अभी अच्छी तरीके से नहीं पकाता, तो इसको मैंने फिर से डाला है, एक बेस साइड पक जाएगा। अभी ये देख रही हूँ कि मैं ये पक गई है, तो उसके ऊपर मैं डालूँगी पिज्ज़ा सॉस, और नीचे से जो बॉटम है वो पकती रहेगी। और ये हैवी बॉटम है तो तुरंत जलेगी भी नहीं, और मैं फटाफट पिज्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। तो उसके बाद इसके पिज्ज़ा सॉस को अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसके बाद इसके टॉपिंग्स डालूंगी। टॉपिंग्स में जो भी आपको पसंद है सब डाल सकते हैं। मेरे घर में जो अवेलेबल सब्जियाँ थी, जैसे पनीर था, शिमला मिर्च थी, कॉर्न था, प्याज और टमाटर, और थोड़े से चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही। और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ी बना रही हूँ क्योंकि बेसिकली मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। आप देख रहे हो इधर उधर घूम रहा है पिज़्ज़ा बनने के टाइम पे, तो उसको ही चाहिए, उसको थोड़ा ज़्यादा सॉस वाला पिज़्ज़ा चाहिए, तो उसके लिए प्रेफरेबली मैं ऐसे ही पिज़्ज़ा बनाती हूँ। सॉस पिज़्ज़ा का ये चीज़ पिज़्ज़ा है, ये अच्छी तरीके से आप डाल दीजिए। पिज़्ज़ा चीज़ मार्केट में मिलती है, बेसिकली मोजरेला चीज़ ही होती है जो कि पुल होता है पिज़्ज़ा में। उसके बाद टॉपिंग्स डाल दीजिए और ढक करके इसको पका दीजिए, और ढक करके आपको अच्छी तरीके से पकाना है। 10 मिनट्स में ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेस भी पका हुआ है, टॉपिंग्स भी पकी हुई है, और नीचे से जो बेस पिज्ज़ा का है वो तो पक ही रहा है। तो ये चलिए हो गई पिज्ज़ा रेडी। अब इसके बाद 10 मिनट तक इसको ढक करके पकाएंगे, और पकने के बाद हम देखेंगे थोड़ा सा
हल्का सा पलट के नीचे से देखेंगे कि ये कैसी है। तो देख रही हूँ मैं कि पक तो गई है, तो अब मैं एक और टेस्टिंग कर लेती हूँ। देखने से पकी हुई लग रही है। अब नाइफ थोड़ा जिधर जिधर बेस दिख रहा है मुझे, उधर नाइफ थोड़ा पोक करके देख रही हूँ कि अगर नाइफ में चिपक रहा है पिज्जा का डो तो वो नहीं पका है, अगर नहीं चिपक रहा है तो वो पक गया है। तो जब ऐसी टेस्टिंग हो जाए तो आप जब गैस ऑफ कर सकते हैं और पिज्जा सर्व कर सकते हैं। तो पिज्जा एक्चुअली बहुत अमेजिंग बनी थी। इस पिज्ज़ा की रेसिपी में सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें कोई ओवन यूज़ नहीं हुआ है। कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसके पास ओवन नहीं है और वो ट्राई करना चाहता है इस लॉकडाउन में पिज़्ज़ा बनाने के लिए, वो कर सकता है। दूसरी बात, ये जो इसमें टॉपिंग्स है जिसको कि मैंने ऑलरेडी पहले ही वो फ्राई कर लिया था, टोस्ट कर लिया था, जिससे ये होता है कि अगर आप उसको पहले वेजिटेबल्स को टोस्ट कर लेते हैं या फ्राई कर लेते हैं तो जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तब वो कच्ची नहीं रहती है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। दूसरी कि मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी, वो बहुत अमेजिंग बनी थी। टेस्ट उसका बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह ही था, लेकिन बिना किसी प्रिजर्वेटिव का था। तो ये डेफिनेटली एक बेटर रेसिपी है जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। बिना प्रिजर्वेटिव के पिज़्ज़ा सॉस घर पे बना सकते हैं। जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं, इजी है, बहुत इजी है। जैसे आप चटनी बनाते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से इसका भी प्रोसेस है। थर्ड चीज़ है कि पिज़्ज़ा एकदम सॉफ्ट बनी थी क्योंकि हमारा ईस्ट बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ था और पिज़्ज़ा डो को मैंने अच्छे से नीड किया था, अच्छे से गूथा था, तो पिज़्ज़ा सॉफ्ट बनी थी। और पिज़्ज़ा पकी हुई भी थी क्योंकि मैंने एक हेवी बॉटम पैन यूज़ किया था। लेकिन द डाउन साइड ऑफ दिस रेसिपी इज कि जब हम मैंने पिज़्ज़ा का बेस बनाया था दैट वाज सॉफ्ट, मतलब वो थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए था। जब आप डोमिनोज की पिज़्ज़ा को ऐसे होल्ड करते हैं तो आप वो पिज़्ज़ा नीचे से लटकती नहीं है, वो होल्ड में रहती है, तो उसमें थोड़ा सा क्रिस्पनेस नहीं रहता है, तो जो कि इस रेसिपी में नहीं थी। तो मिसिंग पार्ट वाज कि अगर आपको या तो सूजी मिलाना चाहिए था उसमें थोड़ा सा पार्ट, या फिर आप गेहूं का आटा मिलाते तो भी काम हो जाता। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी पिज़्ज़ा बनाएं, घर में बनाएं और तवे पे बनाना चाहते हैं, तो अगर 3/4 मैदा लीजिए, 1/4 सूजी लीजिए, या फिर 3/4 या हाफ एंड हाफ आप गेहूं का आटा ले सकते हैं, हाफ मैदा ले सकते हैं, और उसके बाद आप आटे को गूंथिए तो आटे में थोड़ी क्रिस्पनेस रहेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक डाउन साइड ऑफ दिस रेसिपी था जो कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर ट्राई करूँगी तो ज़रूर यूज़ करूँगी। और हम ये जो लेसन्स मैंने लिया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड जिन लोगों ने को ये रेसिपी ट्राई करनी है उनके साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।